नमस्कार मित्रों, फुल पैकेज करंसी की दुनिया च तुहाडा स्वागत है। मैं लेके आया तुहाडे लिए पुरानी करंसी की जानकारी, केड़े नोट केड़े सिक्के अपनी कलैक्शन च रखने चाहिए ने, तो की दाम हो सकता है उन्हां दा, ये सारी जानकारी वीडियो च मिलेगी। उस तो पहले मैं दसदा, मैं सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाई है, ना ही मैं बायर हाँ तो ना ही सैलर हाँ। इन्हां वीडियो च तुहानू दस्या जाएगा कि 1 रुपए तो लैके 100 रुपए तक दे किहड़े नोट्स दी की वैल्यू हो सकती है। रनिंग नोट्स विच स्टार सीरीज वाले नोट्स दी की वैल्यू है, स्पैशल नोट्स दी की वैल्यू, किहड़े नोट किहड़ी कंडीशन च की वैल्यू रखते हैं, ये सब जानकारी दी जाएगी। और इस तो अलावा जो तुहाडे कोल नोट्स अवेलेबल है तो उन्हां दी भी इनफॉर्मेशन लै सकते हो। अज दे इस वीडियो च गल करदे आ 1 रुपए दे सिक्के वाले नोट बारे। हालांकि ये नोट काफ़ी लंबे समय तक बनाया गया, पर फिर भी इन्हें विच 3 ऐसे रेयर नोट है जो कि तुहानू मालामाल बना सकते हैं, जिन्हां च सब तो पहला नोट एस बोतलिंगम दे कार्यवधि दा है। 1964 च बी इनसेट दे नाल इस नोट नू इशूड किया गया, सैक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एस बोतलिंगम दे सिग्नेचर दे नाल, पर फिक्स ए दे। ए नोट सिंगल नोट दी वैल्यू 12,000 रुपए तक रखता है। इस तो अलावा भी एस बुतलिंगम दी कार्यवधि च 2 इशूड होर कड़े गए 1965 बी इनसेट दे नाल, पर फिक्स ए तो लैके के तक। और ए नोट बिल्कुल नॉर्मल नोट च काउंट होता है और एदी वैल्यू है 150 रुपए सिंगल नोट। तीजा इशू प्लेन इनसेट दे नाल 1966 च कड़िया गया, पर फिक्स ए तो लैके वाई तक, और ए नोट कॉमन नोट च काउंट होता है, वैल्यू 50 रुपए। हूँ तो आप डिफरेंट देख सकते हो, एक नोट 12,000, दूसरा 150 तो तीसरा 50 रुपए। इसका के वीडियो से दी गई सारी इंफॉर्मेशन जरूर सुनियो, क्योंकि कले गवर्नर के सिग्नेचर ही मायने नहीं करते, प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगी। जिदा तो याद देख सकते हो इतने ईयर की इंफॉर्मेशन दी हुई है, आ जड़ा वाटरमार्क च है बी इनसर्ट दे 2 इशूड कड़े गए 1964 ते 1965, एक कॉमन एक टॉप रेजस्ट। 8C जिहड़ा लिखा था सी इनसर्ट है। ये सारी जानकारी तो बाद ही नोट की वैल्यू देखी जाती है। इस तो अलावा नोट की कंडीशन रिक्वायर्ड करती है, तो जे तुहाडे कोल एस बूतलिंगम का नोट नज़र च आए ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟੋਪ ਰੇਰੈਸਟ ਨੋਟ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਲ ਕੇ ਜਾ ਦਾ ਨੋਟ 1957 'ਚ ਬੀ ਇਨਸਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਿਕਸ ਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੋਟ 3,000 ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਯੂ ਐਨ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ। ਐਲ ਕੇ ਜਾ ਦੀ ਕਾਰਯਾਬਦੀ 'ਚ 4 ਇਸ਼ੂਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ 1957 ਚ ਸੀ ਇਨਸਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਫਿਕਸ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈ ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 125 ਰੁਪਏ। 1957 ਚ ਡੀ ਇਨਸਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਫਿਕਸ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈ ਤੱਕ, ਵੈਲਿਊ 125 ਰੁਪਏ। 1963 ਚ ਏ ਇਨਸਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਫਿਕਸ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈ ਤੱਕ, ਵੈਲਿਊ 125 ਰੁਪਏ। ਤੀਸਰਾ ਟੋਪ ਰੇਰੈਸਟ ਨੋਟ ਐਸ ਜਗਨਨਾਥਨ ਦੇ ਕਾਰਯਾਬਦੀ ਦਾ। ਐਸ ਜਗਨਨਾਥਨ ਦੇ ਕਾਰਯਾਬਦੀ 'ਚ 2 ਇਸ਼ੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ 1968 ਵਿੱਚ ਏ ਇਨਸਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਫਿਕਸ ਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈ ਤੱਕ, ਯੂ ਐਨ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਨੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 500 ਰੁਪੀਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1967 ਵਿੱਚ ਏ ਇਨਸਰਟ ਨਾਲ, ਪਰਫਿਕਸ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਕੋਮਨ ਨੋਟ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 75 ਰੁਪੀਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਚ ਐਮ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕਾਰਯਾਬਦੀ 'ਚ 4 ਇਸ਼ੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ 1951 ਪਲੇਨ ਇਨਸਰਟ, ਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ ਪਰਫਿਕਸ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ 1951 ਏ ਇਨਸਰਟ, ਪਰਫਿਕਸ ਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤੱਕ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ਼ੂ 1951 ਏ ਇਨਸਰਟ, ਪਰਫਿਕਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਲ ਤੱਕ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਸ਼ੂਡ 500 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੱਕ। ਚੌਥਾ ਇਸ਼ੂ ਐਚ ਐਮ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕਾਰਯਾਬਦੀ ਦਾ 1957 ਦਾ ਏ ਇਨਸਰਟ ਦਾ, ਪਰਫਿਕਸ ਐਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਡ ਤੱਕ, ਇਹ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 250 ਰੁਪੀਸ ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਈ ਨੋਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ।